जो आज पहली बार हमारे पास आई है, तो बच्ची का क्या केस है आप बताइए। बच्ची का वो तो फ्लेट्स आती है, उसको डॉक्टर ने बोले, एम्स का डॉक्टर ने बोले उसको फ्लेक्सर स्पाज़म आ रहा है। वो 2 महीना रुके मैं एम्स में, 2 महीने के वो बार बार 1 महीने में 2 बार इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन दौरान वो उसका लूज मोशन भी हो जाता है और फीवर भी आता है, वो 4 दिन 5 दिन रहता है सर। और किसी ट्रीटमेंट से आपको फर्क हुआ इसका? अभी तक वो जो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी तक, वो उसका जब इन्फेक्शन हो जाता है वो नहीं दे पाते, 6 दिन 7 दिन वो वैसा जब चला जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, वो नहीं दे पाते। और जैसे आप ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद कैसा लगा इसका, कुछ चेंज लगा? अभी तक तो फ्लेट्स नहीं आया। ऑक्सीजन दे रहे हैं वो डॉक्टर ने लेविपिल वाल्पारिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिट्स नहीं आया, मतलब वो रात को रोती है, थोड़ी बहुत रोती है। ऑक्सीजन के बाद एक्टिव हुई, वो एक्टिव तो बहुत ज्यादा है, वो बैठ जाने से बैठता है अभी। बहुत सुंदर। तो इसमें मम्मी का सबसे बड़ा रोल है या पापा का रोल है सबसे बड़ा? मम्मी का भी, मेरे मैं सुबह से दे जाता हूँ, वो निकल जाता हूँ काम के लिए, वो रात को देते है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी ये पहली बार हमारे पास आए हैं। उसके जो एम्स में भर्ती हुए उसके बाद आपसे जो कल के बाद ऑक्सीजन शुरू किया है वो यूट्यूब पे देख के।